20 मई को बांदा से हमीरपुर जाने वाली बस सुबह लगभग 8 बजे जसपुरा के पास बंधे की पुलिया पर एक्सीडेंट हो गई। लोगों का कहना है कि बस की स्टेयरिंग फेल हो गई थी और बस खाई में जाकर खंभे से टकराई तो 11,000 पावर का बिजली का खंभा टूट गया जिससे बस में आग लग गई। स्टेयरिंग फेल हो गए, बस चली गए, बिजली के तार 11,000 की लाइन थी, खंभा टकरा हम ये तर न बताए पाए कि कैसे भे हम जवाइन तो बस जली पड़ी रहा बुझान पड़ी रहा एक डढ़ाइल आइचो कफन मत लेटाए रहा और सब लोग देखते थे हम देख ली हूँ। अब पता नहीं कि कितने का गए जब मौके में नहीं रहे तो हम का बता सब घायल थे कौन की है लाख तक कौन की है लाख तक कौन कपारी में लाख तक जहाज की लाख है। हमने ईटा पाथते थे वहाँ पर धुआं का सब पता वहाँ से देखने गए थे। परिवहन विभाग के अधिकारी के अनुसार बस में कुल 26 सवारी थी लेकिन लोगों का कहना तो कुछ और ही है। 23 लोग जो हॉस्पिटल पहुँचाए गए थे वहाँ CHC में जसपुरा में उसमें से 7 लोग यहाँ रेफर किए गए हैं, बाकी सब लोग वहाँ से प्राथमिक चिकित्सा के बाद डिस्चार्ज। बस में टोटल 26 यात्री थे। कितने लोग थे भैया? 44-45 लोग। क्या लग रहा है कि कितने लोग बस के अंदर जल गए? 7-8 लोग खत्म हो गए। पुलिस उसमें एक बता रही बाकी कहाँ एक चार तो दिख ही रहे थे पूरा और अंदर जो फंसे हुए थे वो की मौत बता रहे हैं। 5 को बता रहे हैं अब आपकी जानकारी में कितने समझ लो 55 आदमी है 20 निकल गए फिर भी 35 आदमी बच गए। तो 35 आदमी कहाँ है? जल गए वही में कहा दो चार लोग 10-15 लोग को बताते थे कि इसके जल गए। कोई कोई लोग यहाँ जसपुरा में भर्ती रहे, कोई कोई कामपुर को चले गए, कोई कोई बांदा चले गए। इस हादसे के बाद गीता अपने पति को ढूंढने में परेशान थी और कोई उसे सुनने वाला नहीं था। बातें नहीं चल रहा का वो क्या हो गया? वो यहाँ से कह रहे हैं, जसपुरा से कह रहे हैं, यहाँ से कह रहे हैं, कानपुर है, कोई सुन ही नहीं रहा है बात को। तो पता चले तो कन्फर्म तो पता चलना चाहिए ना कि कहाँ है। हाँ सब हुआ है तो वही बस में नीचे से वही बस में पता हो गए, पता नहीं है कहाँ है। हम उधर ढूंढा, उधर से थाने में देखा, वही बस के नीचे देखा, यहाँ देखा, कोई पता नहीं चल रहा। तक तो यात्री राहत योजना हम लोग को निर्देश दिए है, उसमें मृतक का जो नेक्स्ट टू डिकीज है जिसकी डेथ हुई उसका जो वारिस है उसको 5,00,000 रुपए रोडवेज की तरफ से घायलों को हम आर्थिक सहायता देने के लिए भी लाए हुए हैं। जैसे से यहाँ पे कुछ होता है तो उनको घायलों को भी आर्थिक सहायता भी देंगे। 26 लोग। परिवहन विभाग के अधिकारी ने मुआवजे की बात कर अपना पल्ला तो झाड़ लिया लेकिन इस लापरवाही के बारे में कुछ नहीं बोला। अधिकतर बस दुर्घटनाएं तकनीकी खराबी के कारण ही होती है, कईयों की जाने जाती है, जाने कितने घायल होते हैं और बात मुआवजे पे खत्म हो जाती है, कोई व्यवस्था पर कुछ नहीं बोलता।